अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो आप लोगों के लिए छोटी सी वार्निंग के तौर पे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से ये अपडेट आ चुका है। अगर आप सऊदी अरब में रहकर बूस्टर डोज नहीं लगवाएंगे, अगर आपने डबल डोज लगवा लिया है और बूस्टर डोज का ऐलान आ चुका है, बूस्टर डोज का पहले ही ऐलान आया था। सबसे पहले जो अपडेट दिया गया था वजारत सेहत की तरफ से, उसमें ये कहा गया था जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है उनको सिर्फ बूस्टर डोज लगेगा। काफ़ी लोग इसके बारे में ही सोचते हैं कि हमारी उम्र तो 60 साल नहीं है, हमारा उम्र 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल है, तो हमें बूस्टर डोज नहीं लगवाना पड़ेगा। उसके कुछ दिन के बाद ही अपडेट आया, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है उन सबको बूस्टर डोज लगवाना पड़ेगा। जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर है सबको जरूरी करार दिया गया है। अब तो इसके ऊपर कानून आ चुका है, अगर आप बूस्टर डोज नहीं लगवाते हैं और आपका सेकेंड डोज लगवाए हुए 6 महीना हो चुका है, 6 महीने से ऊपर हो चुका है तो लगवा ले, बेहतर रहेगा। नहीं तो 1 जनवरी 2022 से लगवाना जरूरी हो जाएगा, ये कानून बन चुका है। नहीं तो आपका जो तवक्कलना का हेल्थ स्टेटस है, जो इम्यून्स होता है, आप वो उसको दिखा कर कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी मार्केट में घुस जाते हैं, आपको कोई भी रोकता नहीं है, टोकता नहीं है, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आप बूस्टर डोज नहीं लगवाएंगे 2022 तक 1 जनवरी से, तो आपको इस चीज़ का सामना करना पड़ सकता है, आपको कहीं भी जाने नहीं दिया जाएगा। और यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रोन एंट्री कर चुका है। अब हर देश में धीरे धीरे एंट्री कर रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग पहले ये सोच रहे थे कि अब तो हर चीज़ नॉर्मल हो चुका है, हर देश में आना जाना चालू कर दिए थे, लेकिन इसकी वजह से आना जाना के चक्कर में हर देश में फिर से ये स्टार्ट हो चुका है। और काफ़ी लोग तो ये सवाल करते हैं कि भाई इंडिया के लिए, नेपाल के लिए, फिर पाकिस्तान के लिए फिर से फ्लाइट पाबंदी लग जाएगा या होने वाला है या लगा दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया गया है किसकी फ़्लाइट को बंद किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अफ्रीका के 7 देशों के ऊपर फ्लाइट की पाबंदी लगाई गई है। तो ये टेंशन न ले कि हम लोग छुट्टी कैसे जाएंगे, फाइनल एग्जिट कैसे जाएंगे। और जो लोग भी ये सवाल करते हैं कि भाई हम यहाँ से जाएंगे तो क्या हमें क्वारंटीन किया जाएगा अपने देश में, तो अभी क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। अगर आप सऊदी अरब से डबल डोज ले लिए हैं और आपके पास पूरा सर्टिफिकेट है तो आपको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। अपने तवक्कलना का हेल्थ स्टेटस बरकरार रखने के लिए, इम्यून रखने के लिए आपको तीसरा डोज लगवाना जरूरी है, जरूरी है। अगर आप सऊदी अरब में रहना चाहते हैं, अगर आप घर जाना चाहते हैं तो आसानी से जा सकते हैं। जो लोग भी ये सोचते हैं कि भाई इतना ज़्यादा वैक्सीन हम लेंगे हमें कोई ख़राबी होगा, तो खराबी का टेंशन बाद में रखे, यहाँ पे तो मौत ज़िंदगी का सवाल है। तो आप लोग अगर घर जाना चाहते हैं, अगर सोचते हैं कि हम घर चले जाएंगे, दूसरा वैक्सीन लगवा लिए हैं, घर चले जाएंगे और वहीं पर रह जाएंगे, उधर ही कोई काम करेंगे, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर सऊदी अरब में रहना है तो कानून को फॉलो करना पड़ेगा, तीसरा डोज लेना जरूरी है, क्योंकि आपने जो डबल डोज वैक्सीन लगवाया है उनका टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो तीसरा डोज, चौथा डोज ये आता ही रहेगा। ऐसा नहीं कि इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, अगर हो सकता है तीसरा डोज भी ले लेते हैं और ज़्यादा दिन गुजर जाता है, फिर से एक नया वायरस आता है तो आपको फिर चौथा डोज भी लेना पड़ेगा। ये अपडेट धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। पहले कहा गया था 1 डोज वैक्सीन, 2 डोज वैक्सीन, उसके बाद तीसरा डोज भी वैक्सीन आ गया और काफ़ी लोग सोचते थे कि भाई तीसरा वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे, नहीं लगवाएंगे, लेकिन सब ने फिर से लगवाना चालू कर दिया। तो गवर्नमेंट के कानून को फॉलो करें।